हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेलो एवरी तो आज की वीडियो में हम 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो रहे रहे तीन सेमी कंडक्टर मैनुफेक्चरिंग प्लांट को भी लॉन्च किया गया ये जो सेमी कंडक्टर मैन्युफेक्चरिंग प्लांट है यह काफी बेनिफिशियल रहेंगे इससे काफी जॉब्स ग्रोथ मिलेगी एंड हम जानते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया राइट तो इसको प्रोसेसिंग की स्पीड इससे बढ़ जाएगी तो जो हमारे सेमी हैं नॉट जस्ट ए के बेसिस बट आप ये समझिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें आपका चिप्स लगती है सेमी चिप्स राइट तो हर डिवाइस में आपका सेमी चिप्स लगती हैं करेक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है तो सिमिलरली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा तो ये जो तीन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की दो रहेंगी गुजरात में एक है असम में ठीक है यहीं पर हम देख सकते हैं सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन फैसिलिटी एट ढोले स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ पर ढोलेरा गुजरात में एंड आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन सनंद गुजरात ये दोनों तो हो गई कहाँ पर गुजरात में और ये आपकी आ गई असम में और हमने देखा था कि असम में जो मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जा रही है सेमी की वो फर्स्ट ऑफिट्स काइंड रहेगी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया फिर यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे जो ये ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है ये सेमी कंडक्टर फैसिलिटी जो रहेगी ढोलेरा की ये पहली ए आई एनेबल्ड कमर्शियल सेमी कंडक्टर फैब रहेगी इन इंडिया ठीक है आन यहीं पे याद रखेंगे, पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट्स हैं तीनों मैन्युफेक्चरिंग फैसिलिटी वन करोड़ रुपए की लागत से इनको यहां पर लॉन्च किया मूविंग ऑन देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 ये एक टूरिज्म इनिशिएटिव था लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इंडिया की जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं उनको विजिट करने की यहाँ पे बात की गई अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में विजिट कर रहे थे एंड उसी के दौरान विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के अंडर एट बख्शी स्टेडियम इन श्रीनगर इन्होंने यहाँ पे ये देखो अपना देश पीपल्स चॉइस लॉन्च किया इससे क्या होगा इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगा देखो टूरिज़्म ना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अभी इंडिया और मालदीव के बीच में जो हसल चल रही थी तो उसमें हमने देखा जब मालदीव से इंडिया ने लड़ाई की या फिर लड़े नहीं कहेंगे जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी तो इंडियन टूरिस्ट ने बाइकआउट करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट टूरिज्म डिक्लाइन हो गया वहाँ पे दैट मीन्स वन थर्ड ऑफ द टूरिस्ट जो मालदीव जाते थे वो इंडियंस होते थे एंड उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी इंडियन टूरिस्ट पे तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोविड नाइन्टीन के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा तो आपका श्रीलंका काफ़ी डिपेंडेंट था टूरिज्म सेक्टर पर लेकिन जब टूरिज़्म लगा

मिलता है एक्सरसाइज का नाम रहेगा भारत शक्ति कहां पर, हुई? ये हुई पोकरान। पोकरान कहां पर है राजस्थान, ने किया राजस्थान। फिर यह ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों आर्मी पे पार्टिसिपेशन था जिसमें से अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो टी टैंक्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला अर्जुन टैंक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला धनुष का पार्टिसिपेशन देखने को मिला आकाश वेपन सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला ड्रोन्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन था पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से हमें नेवल शिप मिसाइल्स कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल्स राइट एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स राइट right, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर हम देखें तो एल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला देन मार्क फोर ध्रुव हेलीकॉप्टर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला Now friends recently your SBI clerk main exam was held we have collected some stats over it and let me show you why i say that affairs cloud is one of the best top solution for current affairs for the first shift and second shift there were 46 and 43 questions collected respectively for 5th of 25th of feb right here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that i ask you to do on daily basis in your mobile application then 22 and 19 questions were from the pocket pdf that is provided to you in our course and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam pdf that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on youtube Channel. So that is the reason I say that we are the one stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered. For in depth questions, and number of in depth covers were 15 and 21, respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10, apart from the one that we just saw. So highly important so that is the reason i ask you that you should definitely take our course because they will be very beneficial in your preparation on daily basis we provide you daily scoop pdf daily current affair quiz daily current affair and question answers p quiz right apart from this pdf we also teach you on youtube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also similarly for weekly top 60 quiz CA content in PDF and weekly overall question and answer PDF is also provided to you and similarly for monthly also top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application monthly current affairs pocket PDF monthly current affairs study PDF exam exam PDF and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application and for that you have to look at our course that we just mentioned then if we look at some of the month wise stats like on monthly basis what are the questions that were asked and we have covered those questions so the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of feb for shift 1 and shift 2 and here we can see that for 5th uh, for feb month of 24 two questions and four questions were asked from the jan month 16 and 18 questions respectively were asked from december 5 and 2 questions were asked and for september to november we saw that 8 and 5 questions were asked respectively and from jan to august 2023 that is for the last year we saw 7 and 6 questions were asked. Covered. And let me tell you, friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world not just this if we focus on static banking and gk stats the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift static banking question asked were 5 and 7 static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively just a question short for the second shift right but we'll make sure to cover that in next time then static gk question asked were 3 and 1 respectively and static gk questions for the first shift were covered all but for the second shift a question was left but i make sure to cover that question also the next time and

अभी पीएम मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया ये मरथवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर रहेगी ये है लातूर महाराष्ट्र में जो ये अभी फैसिलिटी सेटअप की गई आन इसी के साथ साथ पाँच रेलवे प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसमें से हम वेगन रिपेयर वर्कशॉप एट बंदेरा वंदे भारत चेयर कार मेंटेनेंस कम का वर्कशॉप जो कि पुणे में रहेगी ये सारे रहेंगे करेक्ट इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये हम बात कर रहे हैं रेल्स uh, की क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये नहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने चार रेल कोच रेस्टोरेंट्स को भी लॉन्च किया कहाँ पर नासिक रोड में अकोला में मुंबई की अंधेरी में एंड बोरीवली में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं आप ये देख सकते हैं मर्थवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री दिस विल बी अ अटल इन सप्लाइंग वंदे भारत ट्रेन सेट्स कम ऑफ अ कार फॉर्मेशन इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड प्लांट्स एंड द फैक्ट्री विल प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड पर्सन एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन टेन थाउजेंड पर्सेंट ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं एथेनॉल वन हंड्रेड इसी को हम ई e हंड्रेड के नाम से भी जानते हैं करेक्ट ये एक ग्रीन फ्यूल है करेक्ट गैसोलीन के रिप्लेसमेंट में आप इस फ्यूल को यूज कर सकते हैं राइट ई हंड्रेड इथेनॉल हंड्रेड राइट यह अभी लॉन्च किया गया कहां पर आईओ के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में जो कहां पर है अरविंद रोड सर्विस स्टेशन न्यू दिल्ली में देन ये जो ई हंड्रेड इथेनॉल हंड्रेड रहेगा इसके जो पहले आउटलेट्स रहेंगे ना वो कुछ स्टेट्स में लॉन्च किए जाएंगे ऑलमोस्ट 183 एटी थ्री रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल रहेगा इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र कर्नाटका उत्तर प्रदेश दिल्ली एंड तमिलनाडु ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर हमने अभी देखा इन्होंने और एक चीज किन के द्वारा ये इथेनॉल हंड्रेड ऑटोमेटिक फ्यूल ये लॉन्च किया गया था ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं एम आई बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने नोटिफाई किया सिनेमेटोग्राफ रूल्स 2024 को टू इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन द रिप्लेस दिस रिप्लेस द सिनेमेटोग्राफिक रूल्स ऑफ 1983 देखो क्या होता है कि जब आप कोई फिल्म लाते हैं ना तो उसके लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए कोई एडल्ट कंटेंट आपकी नॉर्मल पिक्चर में नहीं होगा तो वो एडल्ट टाइटल हो जाएगी उसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं है मूवी में जो कि एक पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जा रहा हो एंड लोग उसके खिलाफ आग्रोश करें एंड लोग उसके खिलाफ भड़क जाएँ राइट किसी के सेंटिमेंट्स को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं कर रही है वो फिल्म करेक्ट या फिर जो वो फिल्म बनाई जा रही है क्या वो किसी पॉलिटिकल इशू को टच कर रही है उन सारी चीजों पे ध्यान रखा जाता है और उसी के बेसिस पे अभी नए रूल्स आए हैं कि अगर आपको कोई फिल्म शोकेस करनी है करेक्ट आपको कोई फिल्म डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उस सर्टिफिकेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है वो यहां पे लाई गई ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इनोग्रेट द इंटीग्रेशन ऑफ के फिशरी स्कीम इन टू जन समर्थ पोर्टल केसी सी फिशरीज स्कीम ये के सीसी फिशरीज स्कीम क्या है बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड तो बेसिकली जो फिशरमैन हो, हो गए उनको यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके ऑन डिमांड मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड है कि जब आपको जरूरत कार्ड से पैसे निकाल लिए तो सिमिलरली जो फिशरमैन है जो फार्मर्स है उनको जब रिक्वायरमेंट आएगी कैपिटल की तो वो उस क्रेडिट कार्ड से ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव की यहां पर लिमिट रहती है इतना वो पैसा उससे निकाल सकते हैं वापस उसको भर दे जैसे क्रेडिट कार्ड में भरते हैं तो इस केसीसी फिशरी स्कीम को अभी जन समर्थ पोर्टल में इंटीग्रेट करा गया रिसेंटली तो ये आपकी न्यूज है इससे क्या होगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी राइट ज्यादा से ज्यादा एसेसिबिलिटी होगी ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन हो सकेगी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड किसी को अप्लाई करना है तो उससे इजी हो सकेगा फॉर दिस वो इजीली अप्लाई कर सकेगा फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सारा ही डाटा वो अपना उस जन जनसमर्थ पोर्टल पे मैनेज कर सकते हैं देख सकते हैं अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब कैसे आ जाता है यहां पर जैसे मान लो कोई किसी को लोन चाहिए किसी फार्मर को या फिशरमैन को कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक हाई इंटरेस्ट पे लोन दे रही है अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो हाई लोन पे हाई इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल जाएगा तो फायदा ही क्या हुआ फायदा क्या मिला फिर किसी फार्मर को या किसान को करेक्ट लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी होती है तो क्योंकि हमें पता है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए ना कि उनसे पैसे लेने के लिए राइट ना कि उनकी इनकम को कर्म करने के लिए बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस तो उस टाइम पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कम इंटरेस्ट रेट पे यहां पे लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा तरीके से लोन देना पड़ेगा इजीली लोन देना पड़ेगा एंड जो व्यक्ति जिसको जरूरत है जेनविन जरूरत है उन्हीं को ये लोन मिले ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दो एम साइन किए पहला है एन आई के साथ ये जो एम है पहले एक एक करके देखते हैं पहला ये जो एम साइन किया गया ये बेसिकली किस एम ओ साइन किया गया है ताकि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात हो सके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात हो सके जो फूड सॉरी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए ये दो एमओयू साइन किए गए एंड वहां पर जो ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं इनके ओनर्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए राइट right? उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने के लिए करेक्ट उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो देने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने के लिए यह एमओयू साइन हुआ दूसरा एमओयू था सिडबी के साथ ये एमओ यू क्यों साइन किया गया सिडबी के साथ ताकि जो डिजिटल स्किल्स हैं डिजिटल सोल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके टू दिस फेयर प्राइस शॉप्स थ्रू द सिडबीजीएस टी सहाय एप्लीकेशन इस जीएसटी सहाय एप्लीकेशन की मदद से जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो आपकी इन फेयर प्राइस शॉप्स को प्रोवाइड कराई जा सके यहाँ पर ये जो एमओ है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ताकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए और सिडबी तो है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इन फेयर प्राइस शॉप्स को प्रोवाइड कर सकती है अगर आपको याद हो तो सिडबी ने ही एक एम साइन किया था किसके साथ गवर्नमेंट बिहार बिहार गवर्नमेंट गौ, के साथ ताकि बिहार में स्टार्टअप इको को सेटअप किया जा सके नेक्स्ट नेक्स्ट है आई एन एस तीर ये इंडियन नेवलशिप तीर है इसने अभी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस में ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है यहां पर 19 से भी ज्यादा नेशंस का पार्टिसिपेशन हमें करेक्ट 16 नेशन से भी ज्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी दो से पार्टिसिपेट करती आ रही है पूछा जा रहा है लोकेशन क्या रहेगी जहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई तो शीशेल्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया ठीक है एंड ये है कटलस एक्सप्रेस यहां पर इंडियन नेवलशिप तीर का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर तो अबुद्या कोऑपरेटिव बैंक का अगर हमें थोड़े टाइम पहले याद हो तो उनका जो बोर्ड मेंबर्स है उनका जो कमेटी थी उसको रिवाइज किया गया था बिकॉज जो वो काम कर रहे थे करेक्ट इट वाज नॉट इट वाज अ पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो कि बैंक में देखा गया था तो उनसे प्रॉपरली मेंटेन गवर्नेंस नहीं हो रही थी तो इसकी वजह से उनके जो एक्शंस हैं उनको ना सराहाते हुए अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई थी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि हेड की जा रही थी कि द्वारा सत्यप्रकाश पाठक जी के द्वारा करेक्ट तो अभी आरबीआई ने रिकॉन्स्टिट्यूट की कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ द अभुदया बैंक करेक्ट अगर यहाँ पे देखें इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक थ्री मेंबर कमेटी ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इंडक्टिंग देवेंद्र कुमार इन प्लेस ऑफ महेंद्र छड आफ्टर हिज रेजिग्नेशन तो यहाँ पर हम देखें ऑन नवंबर आरबीआई ने रिप्लेस किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स एंड इन्होंने अपॉइंट किया सत्यप्रकाश पाठक को जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है एसबीआई के एड एडमिनिस्ट्रेटर टू द मैनेज द बैंक एंड इन्होंने कमेटी ऑफ एडवाइजर्स बनाई और इसी कमेटी ऑफ एडवाइजर्स को भी रिकॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे करा गया तो ये जो कमेटी ऑफ एडवाइजर्स थी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू असेस द एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज द एक्शन अगेंस्ट द बैंक वॉज डिमांडेड ड्यू टू सर्टेन मटीरियल कंसर्स एमिनेटिंग फ्रॉम पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व इन द बैंक मूविंग ऑन फिर बात करते हैं आर ई सी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने अभी रिसेंटली एक एमओ यू साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ And ये जो एमओयू रहेगा बेसिकली था इस MOU के अंडर, REC, 20, करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ ताकि पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सके राइट पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके एंड ये छे साल तक यहां पे ये इन्वेस्टमेंट की बात की अप टू ट्वेंटी थर्टी फिर इसी के अलावा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अलग प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है इन राजस्थान एज मेट्रो रोड हाईवे एयरपोर्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल रिफाइनरीज पोर्ट वाटर हेल्थ सेक्टर टूरिज्म एग्रीकल्चर एक्सेट्राइम मूविंग ऑन इकोनॉमी एंड बिजनेस पे आते हैं तो फिनटेक स्टार्टअप परफ्यूज ये इंडिया का सेकेंड यूनिकॉर्न बन गया दो का एक यूनिकॉर्न क्या होता है यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को बोलते हैं जिसने अपनी वैल्यूएशन वन बिलियन डॉलर मार्केट कैप टच कर लियो ठीक है अभी परफ्यूरोस को अभी परफ्यूरोस को जो कि एक फिनटेक फोकस किस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर्म है ये सेकेंड यूनिकॉर्न बन गया इन्होंने अस्सी मिलियन डॉलर का फंड रेज किया फ्रॉम टीचर्स वेंचर्स ग्रोथ राइट एंड इंडिया का जो पहला यूनिकॉर्न था वो कौन था मूविंग ऑन टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन अभी जर्नलिस्ट ग्रीषमा कूथर एज यू कैन सीयर ऑन पिक्चर ऑन द लेफ्ट एंड रितिका चोपड़ा ऑन द राइट इन दोनों को यहाँ पे ऑनर किया गया ये जर्नलिस्ट हैं एंड इनको ऑनर किया गया चमेली देवी जैन अवार्ड से तो चमेली देवी जैन अवार्ड किन को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर टू जर्नलिस्ट को दिया जाता है कौन थी इस बार जर्नलिस्ट ग्रीषमा कूथर एंड रितिका चोपड़ा मार्क करके चलेंगे इंपॉर्टेंट अगर बात करें चमेली देवी जैन की ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं कम्युनिटी रिफॉर्मर थी एंड ये प्रिजन में थी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये जो अवार्ड है चमेली देवी जैन अवार्ड ये मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1980 से दिया जा रहा है एंड फर्स्ट अवार्ड वाज प्रेजेंटेड इन 1982 2023 की बात करें लास्ट ईयर की तो चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ये दिया गया था किनको धनन्या राजेंद्रन को जो कि को फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ है इनके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए इलेक्ट गए? वो है अश्विनी कुमार राइट right? आप याद देख सकते हैं पिक्चर में अश्विनी कुमार इनको इलेक्ट किया गया एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये किनको सक्सीड करेंगे ये डॉक्टर को यहां सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एफ आई ई ओ नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है किशोर मकवाना इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अभी रिसेंटली आई रिपीट किशोर मकवाना इनको अज्यूम इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट मार्क करके चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप कब की गई थी आर्टिकल थ्री थ्री एट के अंडर सेटअप की गई थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मूविंग ऑन एनवायरमेंट पर आते हैं इंदोप्रिया अंगुलता इंदोप्रिया अंगुलता ये नई स्पीशीज है ऑफ द पेरेस्ट्रॉइड वेब जो अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई करेक्ट तो नई स्पीशीज ऑफ पेरेस्ट्रॉइड वेब्स क्या नाम रखा गया इंदोप्रिया अंगुलाटा राइट ये नई स्पीशीज है पेरेस्ट्रॉइड वेब्स की दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलकाता वेस्ट बंगाल

दीप्ति शर्मा Orange किसको मिला पेरी जो की, की है वर्मा And so on. फिर यहीं पे याद रखेंगे अभी हमने देखा 2023 में पहला एडिशन हुआ था वीमेंस प्रीमियर लीग का और अगर मैं बात करूं आईपीएल का मेंस आईपीएल का पहली बार आईपीएल कब खेला गया था पहला एडिशन कब था 2008 में और अभी 2023 में इसका 16th edition हमें देखने को मिलता है And 2024 में इसका सेवन एडिशन हमें देखने को मिला और और अभी अभी मिलेगा राइट? अभी स्टार्ट हो जाएगा IPL आपका राइट? और Men's Cricket टीम में RCB ने एक बार भी यहां पे आईपीएल नहीं जीता है एस अभी क्रिकेट टीम में आरबीए आरसीबी ने पहली बार इसको जीत लिया नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्बिट्री के ऊपर तो फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल एल रामदास इनका रिसेंटली निधन हो गया राइट फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल एल रामदास पासड अवे एट द एज ऑफ नाइनटी इन सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल तेलंगाना ही वॉज बॉन ऑन फिफ्थ ऑफ सेप्तबर इन मटुंगा बॉम्बे जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अभी इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया नाइनटीन फिफ्टी थ्री में एंड नाइनटीन सेवेंटी वन इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज द कमांडर ऑफ़ द इंडियन नेवल शिप ब्यास अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट एंड ही सर्वड एज द इंडियन नेवल अटैच इन बॉर्न वेस्ट जर्मनी नाइनटीन सेवनटी थ्री से नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तक करेक्ट इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है और uh, 1971 में वीर चक्र आपका थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड रहता है ठीक है एंड इनको रॉमन मैक्स अवार्ड से, से भी सम्मानित किया गया फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 2004 में तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पे पी एम ने पी एम अड्रेस इंडिया फॉर विकसित भारत लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर थ्री सेमी फैसिलिटीज दो गुजरात में एक असम में पीएम मोदी ने अनवेल किया देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 एंड हैज लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 6400 करोड़ रुपीस इन कश्मीर देन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एंड मेनोवर एक्सरसाइज भारत शक्ति यह भी राजस्थान में हुई पोखरान में देन पीएम मोदी इनग्रेटेड मरथवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सूरिंग पुरी ने लॉन्च किया एथेनॉल हंड्रेड एंड ऑटोनोमस फ्यूल दैन एम आई बी 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 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने नोटिफाई किया सिनेमेटोग्राफ रूल्स 2024 हज़ार चौबीस टू इम्प्रूव फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ़ फिशरीज ने इनाग्रेट किया इंटीग्रेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम ऑन टू जन समर्थ पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने साइन किया एम ओ यू विद एन आई ई एस बी ओ डी एंड सिड्बी टू ट्रांसफॉर्म फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस इंडिया INS3 ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 इन शीशल दो हजार चौबीस इन कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी ऑफ की कमेटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ द अबुदया कोऑपरेटिव बैंक नेक्स्ट आरईसी ने साइन किया एमओयू विद राजस्थान टू फाइनेंस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज फिनटेक स्टार्टअप परफ्यूज ये इंडिया का पहला इंडिया का सेकेंड यूनिकॉर्न बन गया अभी 2024 2024 का Then, journalist and Ritika, इनको इनको किया किया गया गया चमेली देवी जैन अश्विनी कुमार किशोर मकवाना इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इंदोप्रिया अंगुलाता ये नई स्पीशीज ऑफ पेरेस्टॉइड एक तरीके की मधुमक्खी होती है ठीक है यह भी डिस्कवर की गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वीमेंस टीम ने यहाँ पे डेली कैपिटल्स वीमेन टीम को फाइनल में राके डब्ल्यू पी एल का सेकेंड एडिशन ये डब्ल्यू पी एल था जीत लिया और ये वीमेंस रॉयल चैलेंजर्स बैगलौर या फिर हम बोले रॉयल चैलेंजर्स बैगलौर की ये पहली विक्ट्री है देन फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल एल रामदास इनका रिसेंटली निधन हो गया तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस मिनिस्टर ने अप्रूव की एक स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हम जानते हैं हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं राइट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है करेक्ट एज ऑफ नाउ थोड़ी कॉस्टली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट फ्रेंड्स आप विद टाइम देखेंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा चार्जिंग स्टेशनस लग जाएंगे तो धीरे 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी कॉस्ट आपके रिड्यूस होने लग जाएगी इवन अभी थोड़े टाइम पहले एक डाटा भी आया था जो ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी हैवी होती हैं राइट तो इसकी वजह से जो कार का वियर एंड टीयर होता है राइट तो एंड जो उसके जो व्हील्स हैं उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन रिलेटेड होता है क्योंकि वो जब घिसेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक का है या फिर माइक्रो रबर पार्टिकल्स का है वो रिलीज़ होते हैं जो कि इक्विलेंट है पॉल्यूशन से एंड वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो ये तो कुछ नेगेटिव हो गई लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी एक स्कीम निकाली है कि कोई भी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बेचना चाहती है तो दे देश सेटअप मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया राइट right? और मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होगा दे शुड हैव अ विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर वन फाइव जीरो सी आर राइट इससे क्या होगा एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी फोर व्हीलर्स की इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स की दूसरा जॉब जनरेशन होगी इंडिया के यूथ के लिए राइट right? एंड ये किसके द्वारा लॉन्च सेटअप की लॉन्च की गई ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई ताकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंड इंडिया राइट right? उस हेडक्वार्टर का नाम बताओ ऑफ इंडियन नॉट आर्मी इंडियन नेवी जो अभी इनोग्रेट किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा तो नौसेना भवन कहाँ पर रहेगा न्यू दिल्ली में रहेगा मां करके चलेंगे इंपॉर्टेंट दिल्ली कैंट में रहेगा नौसेना भवन ये भी इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है करेक्ट कहाँ पर न्यू डेली में कैंट एरिया में नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी टू एट नाइन जीरो करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि पच्चीस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें अगर आपको याद हो डॉर्नियर टू टू एट एयरक्राफ्ट ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ने किन को श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्विलेंस पहला जो दिया था वो अब वापस आ गया है इंडिया में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड फिर दूसरा एक और डॉर्नियर टू टू एट एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिया था ताकि उनकी सर्विलेंस में कोई कमी ना आ सके Coming back, तो टू एट नाइन जीरो रुपए का किस के के साथ साथ किया किया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये साथ किया ताकि पच्चीस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें ठीक है नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फॉर्म किया हाउ मेनी वीके पॉल टू रिव्यू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है ये वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जहाँ पे जो पुअर और वनरेबल फैमिलीज हैं उनको हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है पांच लाख रुपए का एनुअली पर फैमिली एंड इस स्कीम की बात करें तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी सितंबर 2018 में रांची झारखंड में फिर इस स्कीम से रिलेटेड याद रखेंगे जो ये कमेटी फॉर्म की गई है ये सोलह मेंबर की कमेटी रहेगी इस एक्सपर्ट कमेटी को हेड कौन करेंगे वी के पॉल हेड करेंगे विद इन फोर्टी फाइव डेज इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि कैसे हम जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बेटर कर सकते हैं कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी तक इसको पहुँचा सकते हैं कैसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको और बेटर कर सकते हैं कि जब कोई आपका बेनिफिशरी इस स्कीम के अंडर बेनिफिट लेने आए राइट तो उनको और ज़्यादा हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें कैसे कॉस्ट सेविंग हो सकती है राइट क्योंकि इतने सारे लोगों को हमें क्योंकि ये लार्जेस्ट आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है तो इतने सारे लोगों को जब हमें कैटर करना है तो कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए राइट कैसे उनको मैनेज करेंगे कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है इतनी ये स्कीम इतने बड़े स्केल पे तो उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई एंड फोर्टी फाइव डेज के अंदर इनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया ट्रांसफर ऑफ एयर इंडिया बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर हाउ मच अमाउंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एयर इंडिया की बिल्डिंग थी ये एयर इंडिया की बिल्डिंग कहाँ पर थी इनका ये थी आपकी मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई महाराष्ट्र में भी कहां पे नरीमन पॉइंट नरीमन पॉइंट इन मुंबई महाराष्ट्र राइट तो ये किसके पास थी ए आई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास थी राइट right? इन इनसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये ट्रांसफर कर दी गई ठीक है कितने अमाउंट के लिए सोलह एक करोड़ रुपए के लिए कितने के लिए 1601 करोड़ रुपए के लिए ठीक है एंड किसको मिली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मिली इवन कुछ 298.42 करोड़ रुपीस के यहाँ पे ड्यूज थे बाय जो कि किनको पे करने थे जो कि आपको एआई एसेट होल्डिंग कंपनी को देने थे टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो भी यहाँ पे रिड्यूज को वेव ऑफ कर दिया ठीक है ये तेईस मंजिली मतलब तेईस फ्लोर की ये बिल्डिंग रहेगी नाइनटीन में इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था राइट एट अ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फिर एक और चीज़ याद रखेंगे इवन अभी ये जो सेल हो गई इसके अलावा याद रखेंगे एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेंटर लीज़ पे लिया है या फिर एक स्पेस लिया है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर लीजिंग ऑन एस पी आर रोड गुड़गांव गुड़गांव हरियाणा में इन्होंने यहाँ पे लीज पे लिया है ताकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जा सके और आने वाले टाइम में आप देखेंगे गुड़गांव का जो ये एस रीजन का एरिया होगा ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग रीजन होने वाला है इवन अभी द्वारका एक्सप्रेस वे को पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था राइट तो ये जो पूरा पैच होगा द्वारका एक्सप्रेस वे सी पी आर एस पी आर गोल्फ कोर्स ये काफ़ी ज्यादा डेवलपिंग एरिया होने वाला है आने वाले फ्यूचर में और ये एयर इंडिया का कहाँ पर रहेगा ये एस रोड पर है मूविंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके नई मशीन्स को लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर आई रुड़की के साथ टाइप करा करेक्ट और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट आई रुडकी ओनली जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहां पर इस इंडस्ट्री को ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी तो वो है हमारा इंडिया इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके राइट इसके अंडर दो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस है उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है एंड इंडिया में इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के पच्चीस साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये यह, प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके एक एडिशनल न्यूज याद रखेंगे इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इम्पोर्ट करता है गोल्ड और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल्स टू थ्री व्हीलर्स राइट ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से गोल्ड जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ऑर्डर तो वर्थ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस तो रिसीव किए ऑर्डर्स गए इन बात करें। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एट फोर्टी सेवन सी आर का यहां पर यह कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टी के साथ एंड यहां पे चौदह कटिंग एज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स एंड सिस्टम्स को डिलीवर करने की बात की गई टू द इंडियन नेवी दूसरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है एक हज़ार बानवे पॉइंट छः पाँच करोड़ का ये बेसिकली क्या है टी सेवेंटी एंड टी नाइन्टी टैंक्स के कॉम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए राइट कॉम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड कराने के लिए टू इंडियन नेवी एज वेल एज अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया किसके द्वारा ये दोनों बी के द्वारा साइन किए गए हैं बीई की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे भानु प्रकाश श्रीवास्तव बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है 1954 में इसको इस्टेब्लिश करा गया इंडिया अलोंग विद विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज तो लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए राइट right? इन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो बेसिकली क्या है जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइस नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन के कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस एट थाउजेंड सेवेंटी थ्री करोड़ रुपीज विन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया, किया आठ करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क थ्री राइट right? इसको प्रोक्योर करने की बात की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को यह दिया जाएगा और यहां पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहां पे जो आपके एडवा ये मिलेंगे ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को नौ और इंडियन आर्मी को पच्चीस हेलीकॉप्टर मिलेंगे फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए चौंतीस राइट यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये तो चौतीस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क थ्री का ये नेक्स्ट आ जाता है फिर हु वन द गोल्डन बुक अवार्ड दो हजार चौबीस तो ऑथर राखी कपूर के द्वारा फॉर द बुक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी ये इनकी छब्बीसवीं बुक थी इसके लिए इनको ये सेकेंड टाइम गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित करा गया मार्क करके चलेंगे करेक्ट एंड राखी कपूर की बात करें ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने पाइनियर किया द कंसेप्ट ऑफ प्री नेटल काउंसिलिंग इन इंडिया

YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.